स्वागत है बच्चों आप लोगों का फिर से एडियो मंत्रा मैम। हम लोग यहाँ पर पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। हम लोग ने ऑलरेडी वेव नेचर के बारे में देख लिया है, तो अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, सो देखिए पार्टिकल नेचर की जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, सो पार्टिकल नेचर होने का दो तीन रीजन है हम लोगों के पास। ऑलरेडी पार्टिकल नेचर होने का हम लोगों के पास दो से तीन रीजन है। ओके, तो क्या क्या वो रीजन है वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं एक बार। तो देखिए हेडिंग दे दीजिए पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, सो देखो अगर मैं पार्टिकल नेचर के बारे में बात करूं तो हम लोगों को क्या क्या चीजों से उसको समझना पड़ेगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट वन इज हम लोग बोल सकते हैं यहां पे नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग इसको, बोलते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, सेकेंड है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड क्या है बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड वन इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कि एक्चुअली हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जगह पे हम यहां पर इसको बोल सकते हैं एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये तीन चीजों को हम लोगों को यहां पर इन डिटेल में स्टडी करना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सो देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम लोगों को मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले बताया। ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में किसने बताया हम लोगों को सबसे पहले? मैक्स प्लैंक ने बताया। ओके, मैक्स प्लैंक ने क्या बोला ना, उसने बोला कि जो भी ऑब्जेक्ट हम लोगों का हॉट होता है, जो भी ऑब्जेक्ट हम लोगों का हीट, दैट इज जिसमें टेम्परेचर ज्यादा रहता है, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। उसमें से क्या निकलता है? उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। ये किसका थ्योरी था? ये था मैक्स प्लैंक का। ऑलराइट, तो व्हाट ही डिड ही से? ऑलराइट, ही सेड दैट hot objects emit electromagnetic radiation, of various level, of various wavelength. Okay, different wavelength की electromagnetic radiation बाहर निकलता है। अभी जब हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, जब हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हम लोग टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो हम लोग को विजिबल रेंज में मिल जाएगा। हम लोगों को किस में मिल जाएगा? हम लोगों को विजिबल रेंज में मिल जाएगा जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो हम लोग को विजिबल रेंज में मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एज द टेम्परेचर इज राइज, एज द टेम्परेचर is raised, the intensity of radiation, okay, also increases and at high temperature a higher proportion of short wavelength is generated, wavelength of light is generated,
मतलब क्या होता है ना, मतलब इसके बोलने का मतलब ये है कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या हो जाता है, हम लोगों का इंटेंसिटी जो है ना वो बढ़ते जाता है। वैसे वैसे क्या हो जाता है, हम लोगों का इंटेंसिटी जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, अभी जैसे जैसे हमारा इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा ऑलराइट, एक पॉइंट के बाद वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी रेज हो जाएगा ऑलराइट। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से सुन मैं क्या बता रहा हूँ। देखो, जब हम लोग यहाँ पर एक आयन की रॉड को ले लेंगे और एक आयन के रॉड को हम हीट करेंगे, ओके, जब हम आयन के रॉड को क्या करेंगे, हम लोग आयन के रॉड को हीट करेंगे ऑलराइट। देखो, जब आयन का रॉड हीट होता है ना, तो वो टाइम में क्या होता है, सबसे पहले वो डल रेड कलर में आएगा। सबसे पहले वो किस में आएगा, सबसे पहले वो आएगा डल रेड कलर में, फिर डल रेड कलर से वो आ जाएगा ब्राइटर रेड में। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूँ, मेरा इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा, तो ब्राइटर रेड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रीच हो जाएगा। ब्राइटर रेड का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, एकदम मैक्सिमम रीच हो जाएगा जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा ऑलराइट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का उसके आगे का वेवलेंथ। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं और हीट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं और हीट कर रहा हूं, तो वो रेड से कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में। रेड कलर का वेवलेंथ क्या है, रेड कलर का वेवलेंथ जो है ना ऑलराइट वो कम है ऑलराइट, और ब्लू का क्या है, ब्लू का ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्या समझना है ना ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आपको समझना है कि इंटेंसिटी जो हम लोगों का टेम्परेचर है ऑलराइट, उसके हिसाब से हमारा इंटेंसिटी जो है ना वो वेरी होता है। ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से हमारा इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों, हमारा इंटेंसिटी वेरी होता है ऑलराइट। अभी एक बात ध्यान में रखना, जब भी कोई भी सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं या फिर हम लोग उसमें से लाइट पास करेंगे ऑलराइट, वो एक ना उसको एब्जॉर्ब करेगा, मतलब अपने पास रख लेगा, एक ना उसको ट्रांसमिट कर देगा, दैट इज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर लाइट पास किया, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसमिट होके बाहर निकल जाएगा, या फिर क्या होगा, लाइट उसके ऊपर लगेगा एंड वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये तीन चीजें हो सकती है ऑलरेडी, ये क्या हो सकते हैं, यहाँ पर ये तीन चीजें हो सकती है। तो ज्यादा करके हम लोगों को जो विजिबल लाइट दिखता है ना, ज्यादा करके हम लोग को जो विजिबल लाइट दिखता है वो दिखता है क्योंकि हम लोगों का रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोगों को दिखता है। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना ऑलराइट, हम लोग को एक बार क्या हो गया, हमारा एक बार लाइट लग गया ठीक है, तो वो क्या क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब, ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट। तो अगर वो ट्रांसमिट करेगा, अगर क्या करेगा, अगर वो ट्रांसमिट करेगा, जितना लाइट एब्जॉर्ब किया उतना पूरा ट्रांसमिट कर देगा। ओके, जितना लाइट एब्जॉर्ब किया उतना पूरा ट्रांसमिट कर देगा, तो हम लोगों को यहाँ पर बात अलग हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इरेडिएटेड विथ लाइट, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इरेडिएट कर दिया लाइट के साथ ऑलराइट। सो हम लोग बोल सकते हैं कि अ पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, एंड अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड। ओके, पार्ट क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, पार्ट क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है ऑलराइट, सो हम लोग बोल सकते हैं इट इज बिकॉज जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स है अपना, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर्स, आर इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन। ओके, तो इट कैन नॉट एब्जॉर्ब 100%, जो हम लोगों के ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं ऑलराइट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसमिट्स, ओके, एन आइडियल बॉडी विच व्हाट, विच एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, रेडिएशन ऑफ व्हाट, ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज
इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी. इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी. एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ओके मतलब क्या है बोलने का? मतलब यह है बोलने का कि देखो, जब मैंने क्या कर दिया, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आइदर एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट या फिर ट्रांसमिट. जो लाइट हम लोगों को दिखता है सब ट्रांसमिशन की वजह से दिखता है. ओके अभी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हम लोगों का नॉर्मल ऑब्जेक्ट रहता है ना, वो इम्परफेक्टली एब्जॉर्ब करेगा. उसको जरूरत नहीं कि वो सारी लाइट जितना उसके पास आएगा वो सबको एब्जॉर्ब करेगा और सबको ट्रांसमिट करेगा, ऐसा नहीं करता है. ऑलराइट, इसी के वजह से हम लोगों को वहां पर सारे फ्रिक्वेंसीज एक साथ दिखते नहीं है. ऑलराइट, हम लोगों को कुछ कुछ फ्रिक्वेंसीज ही दिखते हैं. लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्लैक बॉडी की बात करूं, ब्लैक बॉडी क्या कर सकता है ना, सारे फ्रिक्वेंसीज के रेडिएशन को वो क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है एंड उसके साथ साथ ट्रांसमिट भी कर सकता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. और उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी ज्यादा करके एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, ब्लैक बॉडी ज्यादा करके एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान में रखना. ऑलरेडी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ए वेरी परफेक्ट ब्लैक बॉडी, लेकिन हम लोग के पास कार्बन ब्लैक वगैरह होता है ऑलरेडी, जो ब्लैक बॉडी जैसा हमेशा काम करता है. यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ना है हम लोग को ब्लैक बॉडी के बारे में, दैट इज वी कैन से कि अ ब्लैक बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल का मतलब क्या होता है, मतलब हीट होता है, ठीक है. इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग्स. ऑलराइट, ब्लैक बॉडी हमेशा क्या रहेगा, हमेशा उसके सराउंडिंग्स के साथ किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में ही रहेगा. मतलब दोनों का हीट क्या रहेगा, हम लोगों का सेम ही रहेगा, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है. ऑलराइट, अभी एक बात ध्यान में रखना हम लोगों का कि जो मेरा लाइट एमिट होता है, ठीक है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और जो एक ब्लैक बॉडी एमिट करेगा वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड दैट इज ट्रांसमिटेड depends upon the temperature. Depends upon what? Depends upon the temperature. किसके ऊपर depend करता है? Temperature के ऊपर depend करता है. मैंने क्या बोला? मैंने starting में ही बोला, मैं iron rod को heat कर रहा हूँ. पहले dull red से bright red, maximum intensity bright red होता है. Bright red के बाद में क्या हो जाएगा? वो blue color ले लेगा. ठीक है, दोनों का frequency और radiation, frequency और wavelength का भी difference है. Alright, लेकिन सबसे important point क्या है हम लोगों का? सबसे important point हम लोगों का ये है कि जो ब्लू कलर है, जैसे देखो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ब्लू कलर रेड से क्या हो गया, ब्लू हो गया. इसका मतलब यह है कि हम लोगों का जो ब्लू कलर है वो ज्यादा टेम्परेचर में ज्यादा इंटेंस होता है एज कंपेयर टू रेड कलर. ओके, वो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि इंटेंस होता है. ध्यान में रखना हमेशा ये बात. ऑलरेडी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं यहां पर अबाउट द ग्राफ. ऑलरेडी देखो, जब मैं यहाँ पे ग्राफ निकालूंगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में का ग्राफ निकाल दिया. ऑलरेडी यहां पर मुझे मिल जाएगा इंटेंसिटी, मुझे यहां पर मिल जाएगा वेवलेंथ. अलग अलग टेम्परेचर के लिए जब मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा, सो देखो क्या होते जाएगा, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर है ऑलराइट, जैसे जैसे मेरा वेवलेंथ है ना बढ़ते जाएगा. ऑलराइट, वेवलेंथ क्या होते जाएगा मेरा, यहाँ पर बढ़ते जाएगा टेम्परेचर के हिसाब से. देखो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा बढ़ते गया, ये एक मैक्सिमम रीच हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद ये कम हो गया. ऑलराइट, ये मैक्सिमम
ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल सकता है उस वेवलेंथ में T1 के लिए, जब मेरा टेम्परेचर क्या रहेगा, T1 रहेगा। अभी देखो मैंने टेम्परेचर बड़ा कर दिया, ऑलरेडी मैंने टेम्परेचर T2 किया, तो वो भी ऐसे ही पहले बढ़ेगा बढ़ेगा। ऑलरेडी देखो आपको कैसे मिल जाएगा, ये पहले इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद मैक्सिमम रीच किया, फिर बाद में वापस क्या हो गया, वापस ये कम हो गया। ऑलरेडी ये समझ लो टेम्परेचर T2 है। यहाँ पर देखा गया है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, इसका मतलब ये क्या है, देखो इंटेंसिटी का वैल्यू देखो, जो टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे इंटेंसिटी क्या मिल रहा है आप लोगों को, वहां पे इंटेंसिटी आप लोगों को ज्यादा मिल रहा है बच्चों। मतलब आप इस तरीके से बोल सकते हो कि जो हम लोगों का इंटेंसिटी है, इट इज वॉट, इट डिपेंड्स क्लियरली ऑन द टेम्परेचर। इंटेंसिटी वॉट, इंटेंसिटी डिपेंड्स क्लियरली ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर ही वो इंटेंसिटी क्लियर कट डिपेंड करता है, ध्यान में रखना हमेशा ये बात। ऑलराइट, तो ये हो गया हम लोगों का ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, ऑलराइट अब तक खत्म नहीं हुआ एक्चुअली, सॉरी। ऑलराइट प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि ये तो एक्सपेरिमेंट ठीक है कि भाई इंटेंसिटी जो है इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। ऑलराइट वो सब हम लोग को पता चल गया कि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम रीच हो जाता है, सब पता चल जाता है। ऑलराइट लेकिन हम लोगों को फिर भी क्या हुआ, वेव थियरी के बारे में इसमें कुछ एजम्पशन नहीं आया। तो इसके लिए मैक्स प्लैंक ने ना थोड़ा दिमाग लगाया। मैक्स प्लैंक ने क्या किया, मैक्स प्लैंक ने थोड़ा दिमाग लगाया। ऑलराइट मैक्स प्लैंक ने क्या बोला ना, ही गेव अस द प्लैंक थियरी ऑफ क्वांटम थियरी। ऑलराइट तो उसने क्या बोला, हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि मैक्स प्लैंक सजेस्टेड दैट, सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ओके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुड एमिट और एब्सॉर्ब, कुड एमिट और एब्सॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है बताता हूं मैं, अब तक मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया आपको। ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड नॉट इन अ कंटिन्यूअस मैनर, एंड नॉट इन अ कंटिन्यूअस मैनर। बोलने का मतलब क्या था मैक्स प्लैंक का, ऑलराइट देखो मैक्स प्लैंक ने बहुत क्लियर कट बता दिया कि जो हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, दैट इज एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन है, वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होता है। मतलब क्या, मतलब देखो बहुत सिंपल एग्जांपल, आपके पास एक गन रहेगा, उस गन में से सारे बुलेट्स एक साथ तो निकल नहीं सकते। ऑलराइट एक एक करके ही बुलेट हम लोगों के बाहर निकलते हैं। ऑलराइट देखो सिंपल एग्जाम्पल, डिफरेंस अगर आपको पता करना है ना, देखो आप एक पिस्टल ले लो, ठीक है। पिस्टल में क्या होता है, गन बुलेट क्या रहता है, एक एक करके बाहर निकलता है। ऑलराइट जो आपको दिखता है, आपने ट्रिगर दबाया एक बुलेट बाहर निकला, आपने ट्रिगर दबाया एक और बुलेट बाहर निकला, बरोबर। लेकिन वही आप एक ऑटोमेटिक वेपन ले लो, ऑटोमेटिक गन में क्या होता है, आप जब फायर करोगे, आपने ट्रिगर दबा के रखा तो कंटिन्यूसली बुलेट निकलता है, लेकिन सारे बुलेट एक साथ नहीं निकलता है, वो एक एक करके ही निकलता है। पर दिखने में हम लोगों को क्या लगता है कि सारे बुलेट्स एक साथ निकल रहे हैं। यहां पर वही लॉजिक यूज किया मैक्स प्लैंक ने। प्लैंक ने क्या बोला कि जो हम लोगों का लाइट एमिट हो रहा है ना, वो एक साथ एमिट नहीं हो रहा है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एमिट हो रहे हैं। और उस पैकेट्स को उसने नाम क्या दे दिया, उस पैकेट्स को उसने नाम दे दिया एज क्वांटम। ऑलराइट सो उसने क्या बोला, सॉरी उसने बोला कि क्वांटम, क्वांटम इज अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड, दैट कैन बी एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ऑलराइट तो प्लैंक ने ही वो बोला कि वो जो मेरा एक छोटा पैकेट, जो मेरा डिस्क्रीट क्वांटिटी है, जो मेरा एक बुलेट है, उसने उसको नाम क्या दे दिया, उसने उसको नाम दे दिया एज क्वांटम। और उसने इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि जो एनर्जी होता है क्वांटम का वो कितना होता है करके। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि द एनर्जी ऑफ
वन द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन, द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, टू द फ्रीक्वेंसी. किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब क्या? मतलब समझ लो मेरा एनर्जी ई है, सो ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? न्यू. सो ई विल बी इज इक्वल टू व्हाट? एच न्यू. एंड व्हाट इज एच कॉल्ड हियर? एच इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. एच को क्या बोलते हैं? एच को हम लोग बोलते हैं एज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. ओके, और इसका जो वैल्यू है इट इज 6.626 इंटू 10 रेस टू -34 जूल सेकेंड. ओके, ये इसका वैल्यू है. ऑलराइट, तो समझ में आया आप लोगों को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है करके? ऑलराइट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये होता है हम लोगों को, दैट इज कि अगर समझ लो मैंने यहां पर मेरा लाइट एमिट या एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो एक साथ नहीं हो रहा है, वो हो रहा है एमिट इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे क्वांटम के पैकेट्स के फॉर्म में, डिस्क्रीट क्वांटिटी. डिस्क्रीट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? एक फिक्स्ड क्वांटिटी जो हमेशा बाहर निकलते ही रहेगा, दैट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इसमें से बाहर निकल रहा है. लेकिन उसने क्या बोला? उसने बोला कि ये जो क्वांटम है एक रेडिएशन, ऑलराइट, उसका जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? फ्रीक्वेंसी को. और ई इज इक्वल टू एच न्यू करके उसने हम लोगों को दे दिया. ऑलराइट, सो एच यहां पर क्या है? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. ऑलराइट, जो हम लोगों का वैल्यू है 6.626 × 10⁻³⁴ सेकेंड, जूल सेकेंड. ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एनर्जी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है. ऑलराइट, सो देखो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि ई कैन टेक वैल्यूज, ई कैन टेक वैल्यूज, ऑलराइट, लाइक E is equal to 0, E is equal to h nu, 2 h nu, 3 h nu, ऐसे वैल्यूज ले सकता है E. ऑलराइट, इसका मतलब क्या है ना? देखो बहुत सिंपल लॉजिक है. देखो अगर कोई बंदा स्टेयरकेस चढ़ रहा है, ठीक है, अगर कोई बंदा स्टेयरकेस चढ़ रहा है तो वो एक ना ऊपर के स्टेयरकेस में खड़ा रह सकता है, ठीक है, कोई भी एक स्टेयरकेस के ऊपर खड़ा रह सकता है, वो दोनों स्टेयरकेस के बीच में नहीं खड़ा रह सकता. ही कैनॉट स्टैंड इन बिटवीन ऑफ टू एनी स्टेयरकेसेस. ओके, इन द सेम वे ये जो एनर्जी रहता है ना, इसका जो वैल्यू रहता है ये सिर्फ 0 h nu 2 h nu 3 h nu 4 h nu ऐसे रहता है, ठीक है, वो इनके बीच में बिल्कुल भी लाई नहीं करेगा. ऑलराइट, सो दैट इज ऑल अबाउट बच्चों हम लोगों का क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बारे में. ऑलराइट, देखो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन ना हम लोगों को बहुत फायदेमंद हो गया, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि क्वांटम ऑफ एनर्जी कितना हो सकता है करके, एक क्वांटम एक पैकेट का एनर्जी कितना हो सकता है करके. ऑलराइट, फिर इसके बाद जैसे ही हम लोग का मैक्स प्लैंक हो गया, ऑलराइट, एक बंदा आया जिसका नाम था हर्ट्ज. ऑलराइट, वही जो अपना फ्रीक्वेंसी का यूनिट वाला हर्ट्ज है वही. ऑलराइट, तो उसने हम लोगों को दे दिया समथिंग कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत काम का एक्सपेरिमेंट था हम लोगों को. ऑलराइट, सो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उस बंदे ने क्या किया, उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने अगेन क्या किया यहाँ पे. ऑलराइट, उसने एक वैक्यूम चेंबर टाइप ले लिया, यहाँ पर बच्चों गलत बन गया. ओके, उसने क्या कर दिया यहाँ पर, उसने यहाँ पर एक वैक्यूम चेंबर ले लिया. ये यहाँ पे मेरा वैक्यूम चेंबर है, डिस्चार्ज ट्यूब टाइप बोल सकते हो आप लोग. ओके, सो देखो ये बन गया मेरा वैक्यूम चेंबर. फिर उसने क्या कर दिया, उसने यहां पर एक मेटल रख दिया, उसने यहां पर एक मेटल का सरफेस रख दिया, मेटल रख दिया बेसिकली, मेटल का एक पीस यहां पर. ओके, उसने क्या किया, ये होल थिंग को उसने एक बैटरी और एक एमीटर से कनेक्ट कर दिया. ऑलराइट, यहां पर उसने एक डिटेक्टर रख दिया इस तरीके से, यहां पर एक डिटेक्टर बना देंगे हम लोग, ये हमारा एक डिटेक्टर, और इस डिटेक्टर को उसने एक एमीटर से कनेक्ट कर दिया. यहां पर हमारे पास एक एमीटर है, और एज यूजुअल
हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक बैटरी का सोर्स है। ओके okay. सो देखो हम लोगों के पास क्या क्या सेटअप है। ये है हमारा मेटल सरफेस, ऑल राइट। यहां पर आ जाएगा हमारा बैटरी, वो तो एम मीटर है, ऑल राइट। ये हमारा डिटेक्टर है, ओके। एंड द होल थिंग इज दिस इज अ वैक्यूम चेंबर, ये हो रहा है हम लोगों के वैक्यूम चेंबर के अंदर। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखो ये पूरा ओवरऑल सेटअप उसने जैसे ही कर लिया। ये जो मेटल रहता है ना, ये जनरली होता है पोटेशियम या फिर सीजियम का मेटल होता है, ठीक है। तो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उसने देखा कि जब मैं लाइट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का, मैंने क्या किया, मैंने लाइट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का इस मेटल पे जाके स्ट्राइक किया, मैंने क्या किया, लाइट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का इस मेटल पे जाके स्ट्राइक किया, तो उस मेटल में से तो क्या हो गया, तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। उस मेटल में से क्या बाहर निकले, उस मेटल में से हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, ऑल राइट। उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, तो इस इफेक्ट को क्या बोला गया, इस इफेक्ट को बोला गया एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां पर क्या निकल रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है। तो जब मैंने लाइट को एक मेटल सरफेस पे इरेडिएट कर दिया, तो हम लोगों को पता चला कि उस मेटल से क्या हो रहा है, उस मेटल से हम लोगों का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। एंड ये इफेक्ट को क्या नाम दिया गया, ये इफेक्ट को नाम दिया गया एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑल राइट, सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन डिटेल, ये होता क्यों है, ऑल राइट। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि व्हेन, सॉरी वन मिनट, व्हेन मेटल्स लाइक पोटेशियम, metals like potassium, rubidium, cesium were exposed to a beam of light, were exposed to a beam of light, electrons were ejected from it, electrons were ejected from it. Okay, this is called as photoelectric effect. This is called as photoelectric effect. Is effect ko kya bola gaya? Is effect ko bola gaya as photoelectric effect. ओके okay, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसकी सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑलराइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है, ऑलराइट। तो क्या क्या हम लोगों को रिजल्ट्स पता चला, क्या क्या हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम लोग देखते हैं, ऑलराइट। तो आपको आई थिंक सो एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया हम लोग ने क्या किया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ऑलराइट, तो वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला हम लोगों को, ऑलराइट। सो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि द results of the experiment were as follows, were as follows. तो क्या क्या रिजल्ट था हम लोगों का, ऑल राइट। सो फर्स्ट उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड as soon as the metal strikes the surface, light strikes the metal surface. मतलब क्या, मतलब ये बोला कि मैंने जैसे ही लाइट को उस मेटल सरफेस के ऊपर हिट कर दिया,
ऑलरेडी ये मेरा मेटल सरफेस है, इसके ऊपर मैंने लाइट तुरंत हिट कर दिया। जैसे ही मैंने हिट किया सेम उसी टाइम में इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मतलब देर वॉज नो टाइम लैग। ओके, कि मेरा ये हिट हुआ फिर एक सर्टन मिली सेकेंड सर्टन माइक्रो सेकेंड के बाद बाहर निकला, ऐसा कोई टाइम लैग नहीं था। जैसे ही हिट हुआ उसी टाइम में साइमल्टेनियसली क्या हो गया, वो उसी टाइम में साइमल्टेनियसली वो बाहर निकल गया। ऑलराइट, तो ये हम लोगों का पहला रिजल्ट था। ऑलराइट, सेकेंड ये था हम लोगों को कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड ओके इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी था लाइट का ओके उतना ज्यादा क्या हो रहा था हम लोगों का, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा था। अभी थर्ड वाला जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड वाले प्रॉपर्टी में क्या बोला गया ना, उसमें बोला गया कि फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देयर इज व्हाट, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की इतना फ्रीक्वेंसी तो उस पर्टिकुलर मेटल के लिए लगेगा, उससे कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। एंड ये फ्रीक्वेंसी को नाम क्या बोला, नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके सॉरी, मैं यहां पर नहीं लिखना चाहिए, मैं रब कर रहा हूं इसको। हाँ, नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर एक मेटल के लिए होता है, जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा वो मेटल। ऑलराइट, तो ये इतना मिनिमम तो हम लोगों को हमेशा क्या लगता है, हम लोगों को फ्रीक्वेंसी लगता ही है। एंड इट इज गिवन बाय व्हाट, इट इज गिवन बाय न्यू नॉट। ध्यान में रखना, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी मेटल एंड ई नॉट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड जब उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा। ऑलराइट, तो हमेशा ध्यान में रखो ये बात। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर निकल रहा है ओके, मैंने क्या किया, मैंने इसको स्ट्राइक किया तो तीन ऑब्जर्वेशन देखा। जैसे ही स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन तुरंत निकला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है मूव हो रहा है तो वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। और तीसरा उसने क्या देखा, उसने बोला कि हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू के नीचे हम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। ऑलराइट, तो ये तीन उसने देख लिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम लोगों का एनर्जी है उस पर्टिकुलर बीम ऑफ लाइट का, ऑलराइट, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है ब्राइटनेस के ऊपर, बरोबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो एक काइनेटिक एनर्जी के साथ ही बाहर निकलेगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है, हमेशा डिपेंड करता है ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे। ऑलराइट, तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, ब्राइटनेस के लाइट। ओके, दैट इज ब्राइटनेस ऑफ लाइट, उसके ऊपर ही हमेशा ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा। ऑलराइट, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हम लोगों का सेकेंड था कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगता है उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। ऑलराइट, देखो अगर मैंने यहां पे बोल सकता हूं दैट एग्जाम्पल व्हेन रेड लाइट, उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है ना रेड लाइट का, इट इज 4.3 to 4.6 × 10⁴ हर्ट्ज, ये उसका फ्रीक्वेंसी होता है। ऑलराइट, तो जब हम लोगों को, हम लोग रेड लाइट ऑफ एनी इंटेंसिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफ एनी इंटेंसिटी फॉल्स ऑन अ पीस ऑफ
पोटेशियम, ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजेक्टेड, ओके। मतलब क्या? मतलब देखो यहाँ पे ब्राइटनेस भी मैटर नहीं किया, यहाँ पे मैटर किया कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है करके। ऑल राइट, अभी मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, बट ओके, अभी मैंने क्या कर रहा हूं, मैंने थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, बट व्हेन अ वेरी डल येलो लाइट, वेरी डल येलो लाइट मतलब क्या, मतलब इसका इंटेंसिटी बहुत कम है, इसका इंटेंसिटी क्या है, इसका इंटेंसिटी बहुत कम है। ऑल राइट, लेकिन फ्रीक्वेंसी है 5.12, 5.2 इंटू 10^14 हर्ट्ज, ये इतने फ्रीक्वेंसी में मेरे पास प्रेजेंट है। ऑल राइट, वी कैन से शाइन्स ऑन पोटेशियम मेटल, शाइन्स ऑन पोटेशियम मेटल, क्या हो जाएगा हम लोगों को, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है पोटेशियम का, ऑल राइट, हेंस द म्यू नॉट फॉर पोटेशियम इट विल बी इज इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इज इक्वल टू वही रेंज में 5 × 10^14 हर्ट्ज, इतना वैल्यू उसका रहता है। ओके बच्चों, समझ में आया आप लोगों को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है करके। ऑल राइट, सो देखो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक और बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जब मेरा लाइट एक पर्टिकुलर रेडिएशन का एक मेटल के पीस पे गिरेगा, वो मेटल इधर पोटेशियम सोडियम सॉरी पोटेशियम रुबिडियम या सीजियम रहेगा, तो क्या हो जाता है ना हम लोगों को, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी ये जो हम लोग ने देखा, इसमें हम लोग ने तीन चीज ऑब्जर्व किया, पहले देखा कि देर इज नो टाइम लैग बिटवीन वॉट, बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइट एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे लाइट स्ट्राइक कर रहा है एंड मेरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इनके बीच में टाइम लैग नहीं है। दूसरा देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है और जो काइनेटिक एनर्जी है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग का लाइट का ब्राइटनेस कितना है, जितना ज्यादा ब्राइटनेस उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा ये देखा कि हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू लगता है, एंड उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू को नाम क्या दे दिया, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू को नाम दे दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हम लोग ने यहां पे एग्जांपल देखा कि पोटेशियम के ऊपर हम लोग ने कितना भी इंटेंस रेड लाइट शाइन कर दिया, पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, लेकिन मैंने जैसे ही येलो लाइट थोड़ा सा क्या दे दिया, तो तुरंत क्या हो गया, तुरंत पोटेशियम में से हम लोग का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो न्यू नॉट का वैल्यू है पोटेशियम के लिए वो कितना है, येलो लाइट के वेवलेंथ कितना है, दैट इज 5 × 10^14 हर्ट्ज के इतना। ऑलराइट, अभी आप लोगों के दिमाग में फिर से एक सवाल आया रहेगा कि सर हम लोग जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग जब सॉरी हम लोग जब लाइट को उसके ऊपर शाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलता है। ऑल राइट, सो देखो यहां पे ना हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में लाइट नहीं है, ये एक बीम ऑफ एनर्जी है। ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में लाइट नहीं है, ये क्या है, ये एक बीम ऑफ एनर्जी है। ऑल राइट, तो क्या होता है ना हम लोग यहाँ पर उसको कैसे बोल सकते हैं, हम लोग इसको बोल सकते हैं यहाँ पे दैट व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशियंट एनर्जी, व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशियंट एनर्जी फॉल्स ओके ऑन द एटम, फॉल्स ऑन द एटम ऑफ द मेटल, तो देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं करके, पहले एक्सप्लेन करता हूं बाद में लिखते हैं हम लोग। ओके, तो जब मेरा वो फोटोन है जिसमें एनर्जी सफिशियंट है, वो मेरे एटम के मेटल के ऊपर क्या किया उसने, मेटल के एटम के ऊपर क्या किया उसने, स्ट्राइक कर दिया। ऑल राइट, तो तुरंत क्या हो जाता है ना हम लोगों को, उसका जो एनर्जी है वो उस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मेरा ये एक मेटल है, ओके, ये मेरा एटम है एक मेटल का। ऑल राइट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अभी एक पर्टिकुलर फोटोन आया, उसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा,
ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा बच्चों। ऑलराइट, तो इसी के वजह से हम लोगों को यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देता है। और क्योंकि क्या हो जाता है ना, जैसे ही मेरा फोटोन ने एक सफिशियंट एनर्जी के फोटोन ने क्या कर दिया, एटम के ऊपर स्ट्राइक हो गया, तो वो जो मेरा फोटोन रहेगा वो उसकी एनर्जी को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और सीधा एटम छोड़ के बाहर निकल जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑलराइट, तो अभी हम लोग यहां पर देखते हैं, व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी फॉल्स ऑन द एटम ऑफ द मेटल, सो व्हाट हैपेंस, सो इट ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी, इट व्हाट, इट ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी इंस्टेंटेनियसली। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, इट ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी इंस्टेंटेनियसली टू द इलेक्ट्रॉन, टू द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज इजेक्टेड। ओके, एंड व्हाट हैपेंस, एंड इट इज व्हाट, एंड इट इज इजेक्टेड, ये इजेक्ट हो जाता है। ऑल राइट, सो इसके वजह से हम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, हम लोगों का जितना ज्यादा एनर्जी रहता है उतना ज्यादा क्या होगा, हम लोगों का जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा फोटॉन का उतना ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा मेरे इलेक्ट्रॉन का। सो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं, ग्रेटर द एनर्जी, ग्रेटर द एनर्जी ऑफ द फोटॉन, ऑल राइट, ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अभी आप लोगों को एक बात पता है कि जो एनर्जी रहता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ऑल राइट, मतलब क्या, मतलब उसने जितना एनर्जी से हिट किया वो फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो जितना ज्यादा मेरा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ज्यादा मेरा क्या रहेगा, उतना मेरा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ऑल राइट, तो अभी फोटोन का एनर्जी कितना होता है, हम लोग को पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इट इज ऑलवेज इज इक्वल टू एच न्यू। ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा है प्लैंक्स क्वांटम थियरी में, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है एच न्यू के इतना। ऑलराइट, और इसके साथ साथ मिनिमम एनर्जी तो रिक्वायर्ड रहेगा। सो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, शिट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ये कितना रहेगा, ये हम लोग लिखते हैं एज डब्ल्यू जीरो विच इज इक्वल टू एच इंटू न्यू जीरो। मतलब क्या, मतलब ये मिनिमम एनर्जी है जिसको हम लोग बोलते हैं एज वर्क फंक्शन। जो हम लोग ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखा था, जो हम लोग ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखा था, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रख के हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे मिनिमम एनर्जी निकाल दिया, दैट इज ई इक्वल टू एच न्यू जीरो, दैट इज द ई नॉट इक्वल टू एच न्यू जीरो, जो यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू नॉट लिख रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन। ऑल राइट, अभी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा मेरे इलेक्ट्रॉन का, ऑल राइट, तो यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट, वो कितना रहेगा हम लोगों का। सो देखो, मेरे मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इज इक्वल टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, द एक्चुअल एनर्जी दैट इज एच न्यू माइनस व्हाट, द
वर्क फंक्शन विच इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो. एक और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो बच्चों. ओके तो यहाँ पे मेरा एम के जगह पे हम लोग डाल सकते हैं एम ई क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का मास है. सो देयर फोर एच न्यू क्या हो जाएगा, एच न्यू विल बी इज इक्वल टू वॉट, हम लोग बोल सकते हैं एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. मतलब अगर आप लोगों को वो फोटोन का एनर्जी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट इज वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को क्या मिल जाएगा बच्चों, आप लोगों को मिल जाएगा द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द फोटोन. ऑलराइट, तो ये हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड उसके साथ साथ हम लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके बच्चों, आई होप सो ये आप लोगों को क्लियर था करके पूरा बात. ओके तो हम लोग फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं. ओके, आपको कुछ डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो. ऑलराइट, एंड इसके साथ साथ हम नेक्स्ट टाइम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोर्स मॉडल के बारे में डील करने वाले हैं हम लोग. यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पहले देखेंगे क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम वगैरह. ओके, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, फिर उसके बाद हम क्वांटम थ्योरी में जाएंगे. ओके बच्चों, आई होप सो आप सबको समझ में आया है करके. ओके, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है इसको, जो भी मैंने सिखाया उसको अच्छे से लिख के लेना. ओके, एंड हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर. तभी तब तक के लिए गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी है, जब भी आप ये वीडियो देखोगे उसके हिसाब से. ओके.